Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and this is class number pre-9 and 9. My dear students, I hope so you will be fine and superb with the blessing of Allah Almighty. I'm also fine over here and sailing in the same boat. We are reading lesson number 1, and today we have to read paragraph number 8 and 10, and this is written over your screen. Paragraph number 8. Here, apni pencils le lein, apni notebooks le lein, or what I am telling, write all the material down. Jitna aap likhenge beta, utni hi comprehension level aapka badh jayega. Main aapko Urdu se English से उर्दू और English से English, English into English and English into Urdu, both meanings I'll provide you, और साथ साथ आपका synonym का question भी तैयार हो जाएगा. So come to paragraph number 8. The Rasool's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. So impressed, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए. Was so impressed, this is past tense, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए. इम्प्रेस को आप इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, आप इफेक्टेड भी कह सकते हैं, आप मूव्ड भी कह सकते हैं. फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन, फर्म का मतलब होता है पुख्ता और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अज़्म. ठीक है, फर्म को आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, आप ग्रेट कह सकते हैं, आप एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है अनयील्डिंग कह सकते हैं. डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया अज़्म होता है, तो इसको आप रिजोल्व कह सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग विल कह सकते हैं. ओके, सो कम टू इट्स ट्रांसलेशन. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से इतने मुतासर हुए दैट ही रिप्लाइड. रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, son of my brother, go thy way, thy mean you, this is an old English, apni, apni, way, ra, way ka matlab hoga ra, go thy way, apni raah par chalte raho, apni raah par chalte raho, none will dare touch thee, dare ka matlab hota hai jurat karna, isko aap have courage keh sakte hain, aur aap be brave keh sakte hain. None will dare touch thee. Thee का मतलब you. Thee का मतलब you. तुम्हें, मैंने पहले बताया old English है. तुम्हें अपनी राह पर चलते रहो. कोई भी तुम्हें छूने की जुरत नहीं कर सकता, नहीं करेगा. None will dare touch thee. कोई भी तुम्हें छूने की जुरत नहीं करेगा. I shall never forsake thee. बच्चों, फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना. इसको आप डेजर्ट कह सकते हैं, इसको आप लीव कह सकते हैं, इसको आप रिनाउंस कह सकते हैं. आई शेल नेवर फोरसेक दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. ओके, सो दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर 8, एंड हियर वी हैव द पैराग्राफ नंबर 10 ओवर योर स्क्रीन. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Okay, pehle iske meanings pe aa jaye. Such a thorough ka matlab hota hai mukammal, isko aap full keh sakte hain, complete keh sakte hain aap. आप इसको टोटल कह सकते हैं, आप इसको एब्सोल्यूट कह सकते हैं. कितने लफ्ज़ प्रोवाइड कर दिए मैंने आपको. इंफॉर्मेशन होता है बच्चों तब्दीली, इंफॉर्मेशन तब्दीली, जिसको आप चेंज कह सकते हैं और रेवोल्यूशन कह सकते हैं. और उसके बाद है बच्चों ओज़ का मतलब मरहूने मिन्नत है, ओज़ मरहूने मिन्नत है. इसको आप बी इंडेप्टेड टू. ओके, और आगे हैं बच्चों ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी इंसानियत होती है,
और इसको ह्यूमैनिटी का मतलब इंसानियत एंड टू द नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब शराफत, आप इसको अजमत भी कह सकते हैं, डिसेंसी कह सकते हैं आप इसको गुडनेस भी कह सकते हैं और यू कैन यूज़ द वर्ड डिग्निटी एज वेल। सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओस टू द रसूल्स डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। इंसान और मुआशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली, सोसाइटी का मतलब मुआशरा होता है, इंसान और मुआशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादर मुतलक पर पुख्ता ईमान डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से आपकी मोहब्बत टू हिज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत से आपकी मोहब्बत और आपके किरदार की अजमत की मरहून मिन्नत है, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन किरदार, और आपके किरदार की अजमत की मरहून मिन्नत है। ओके मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दिया, आप आगे चलते हैं। इंडीड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, इंडीड दर हकीकत या वाक़ियतन या वाकई और इसको आप सर्टनली कह सकते हैं, आप रियली कह सकते हैं और आप डेफिनेटली कह सकते हैं। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, मॉडल का मतलब है नमूना, आप इसको एग्जाम्पल कह दें, आप इसको सैम्पल कह दें। पैरवी करने के लिए आपकी ज़िंदगी वाकई एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सैड, इन रिप्लाई जवाब में, जवाब देते हुए हज़रत आयशा ने फरमाया, In reply to a question about the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ki zindagi ke bare mein sawal ka jawab dete hue Hazrat Aisha ne farmaya, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is his morals and character. Morals का मतलब इखलाक और character का मतलब किरदार, embodiment का मतलब होता है मुजस्सम, embodiment मुजस्सम personification, और आप इसको manifestation कह सकते हैं, manifestation आपके इखलाक और किरदार मुजस्सम कुरान हैं। His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. आपके इखलाक और किरदार मुजस्मे कुरान हैं। The final word about the savior of mankind. Savior का मतलब होता है बच्चों निजात दहिंदा, savior निजात दहिंदा, one who saves, और rescuer कह सकते हैं, rescue लफ्ज़ होता है ना rescue, तो rescue से rescuer कह सकते हैं। Of mankind in the Holy Quran is निजात दहिंदा, निजात दहिंदा इंसानियत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक हतमी अल्फाज कुरान बयान करता है। मैं फिर से बताता हूँ, निजात दहिंदा इंसानियत यानी सेवियर ऑफ मैनकाइंड, निजात दहिंदा इंसानियत से मुतल्लक हतमी अल्फाज कुरान यूं बयान करता है, और वो अल्फाज क्या हैं, नबी, ओ नबी, जिस तरह इसकी अरबी भी लिखी हुई है, या अय्युहन नबीयु इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दायन इलल्लाही बिइज़्नी व सिराजन मुनीरा। अब बच्चों इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ओ नबी श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस and as a bearer of good news and as a warner. बच्चों surely का मतलब होता है बेशक, surely बेशक,
वी हैव सेंड यू, सेंड का मतलब होता है भेजना, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, हमने आपको भेजा है। विटनेस का मतलब होता है बच्चों गवाह, और वन हु गिव्स एविडेंस या वन हु गिव, वन हु कन्फर्म्स या वन हु गिव्स एविडेंस, गवाह। एंड एज अ बियरर, बियरर का मतलब देने वाला, देने वाला, होल्डर कह सकते हैं आप इसको, ओनर कह सकते हैं। और वार्नर का मतलब होता है बच्चों डराने वाला, वन हु वॉर्न्स, वन हु वॉर्न्स। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर, ओ नबी वी हैव सेंड यू एज अ विटनेस, ए नबी बेशक हमने आपको गवाह बनाकर, बशारत देने वाला यानी खुशखबरी देने वाला, गुड न्यूज़ जिसको कहते हैं, खुशखबरी देने वाला, और डराने वाला बनाकर भेजा है, वार्नर डराने वाला, वन हु वॉर्न्स और डराने वाला बनाकर भेजा है। एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, इनवाइटिंग का मतलब होता है बुलाना, बुलाना, और परमिशन का मतलब होता है बच्चों इजाज़त, इसको आप कॉन्सेंट कह सकते हैं, इसको आप अप्रूवल कह सकते हैं, ओके। और एक और वर्ड, इसको आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, इसको आप रोशन चिराग कह सकते हैं, लाइट गिविंग टॉर्च, लाइट गिविंग टॉर्च, रोशन चिराग, अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन, दिस इज द परफेक्ट वर्ड रिप्लेसमेंट, अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन। और इसको आप यू भी कह सकते हैं, इनलाइटमेंट एंड गाइडेंस, इनलाइटमेंट एंड गाइडेंस, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला। एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन, परमिशन मीन इजाज़त, और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ बुलाने वाला, और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ कुरान, और ऊपर कुरान की आयत भी लिखी हुई है बेटा, वो भी आपको सुनाई। सो दैट वॉज यू कैन से अ लॉन्ग लेक्चर, बट कम टू एन एंड, मैंने इसमें आपको बेटा एक एक चीज़ क्लियर की है, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। हेयर यू हैव योर होम असाइनमेंट, लर्न एंड राइट पैराग्राफ नंबर 8 and 10 अलॉन्ग विद सिनोनिम्स, और वो सिनोनिम्स दैट आई हैव बिन टेलिंग यू ड्यूरिंग माई लेक्चर। एक दफ़ा सुनेंगे, दूसरी दफ़ा सुनेंगे, तीसरी दफ़ा सुनेंगे, 100% सारे के सारे सिनोनिम्स आपके पास, आपके जहन में आ जाएंगे, और आप साथ साथ लिखते रहेंगे। हर वीडियो में एक ही मैसेज दे रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर प्री 9 and 9 क्लास स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, और द वीडियोज़ फ्राम योर स्कूल साइड यू आर गेटिंग, उनको बच्चे देखते रहिए, और उनको देखकर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर्स आप उन पे अमल भी करते रहें। गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।